नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। मैं हूँ फिजा हुसैन और हमारा आज का टॉपिक है यूजिंग योर 11 सेंसेस टू परफॉर्म एवरीडे टास्क। इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि वो तमाम कौन सी सलाहियतें हैं जिसके जरिए से एक ब्लाइंड शख्स 99% वही काम कर सकता है जो कि एक साइटेड पर्सन। वैसे तो देखा जाए तो कोई भी एक टास्क भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ आप अपनी आंखों के जरिए से कर सकते हो। हर टास्क को मुकम्मल करने के लिए आपको ज़रूरत होती है मूवमेंट की, चाहे वो आपकी फिंगर्स की हो, हैंड की हो, आर्म की हो, शोल्डर की हो, लेग की हो या फीट की। और आपकी बॉडी जानती है कि ये टास्क कैसे मुकम्मल करना है। और ये सलाहियत कहलाती है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी तीन सेंसेस के तावुन से बनता है। वो तीन सेंसेस कौन से हैं ये हम मजीद आगे जानेंगे। आइए सीखते हैं वो कौन सी सलाहियतें हैं जिसके ज़रिए से एक ब्लाइंड शख्स वो तमाम काम कर सकता है जो कि एक साइटेड पर्सन। लिस्ट ऑफ 11 सेंसेस टू परफॉर्म एवरीडे टास्क। 1. हेयरिंग, सुनने की सलाहियत। 2. स्मेल, सूंघने की सलाहियत। 3. टच, महसूस करने की सलाहियत। 4. टेस्ट, चखने की सलाहियत। 5. साइट, देखने की सलाहियत। ये तमाम वो प्राइमरी सेंसेस हैं जिनसे हम तमाम ही लोग वाकिफ हैं, लेकिन सेंस नंबर 5 को हम इस टॉपिक में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम वो तमाम सलाहियतें डिस्कस कर रहे हैं जिसके ज़रिए से एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वो तमाम काम कैसे कर सकता है जो कि एक साइटेड पर्सन। 6. स्टीरियोग्नोसिस, STEREOGNOSIS। स्टीरियोग्नोसिस 3-डायमेंशनल टच है। जैसे ऊपर दिए हुए सेंसेस में हमने सेंस नंबर 3 में आपको बताया था टच सेंस, जिसे हम टैक्टाइल भी कहते हैं, वो 2-डायमेंशनल टच है, यानी ठंडा गर्म, सख्त नरम या गीला और सूखा आइडेंटिफाई करता है, जबकि स्टीरियोग्नोसिस सेंस 3-डायमेंशनल टच है जिसमें ये सलाहियत है कि वो आपको एक साथ किसी भी चीज़ का वेट, डेंसिटी, फॉर्म और टेक्सचर बताता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाते ही आप उसके वजन से, उसके टेक्सचर से, वो सख्त है, नरम है, पतला है, मोटा है, भारी है, हल्का है, फौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 7. वेस्टिबुलर, VESTIBULAR। वेस्टिबुलर सेंस आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। 8. कॉग्निटिव, COGNITIVE। कॉग्निटिव सेंस वो सलाहियत है जो प्रोसेस करती है आपकी मेमोरी के जरिए, एप्टीट्यूड के जरिए और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के जरिए, यानी किसी भी इंसान की जहानत का अंदाज़ा उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज से लगाया जा सकता है कि वो किस रफ्तार से सीखता है, किस रफ्तार से चीज़ों को याद रखता है और किस रफ्तार से अपने तजर्बात से फ़ायदा उठाता है। 9. काइनेस्थेटिक, KINESTHETIC। काइनेस्थेटिक सेंस वो एबिलिटी है जो आपकी पूरी बॉडी को अवेयर करता है आपकी सराउंडिंग से, यानी आप धूप में हैं, छाँव में हैं, बारिश हो रही है या बादलों का मौसम है, आप इंडोर हैं या आउटडोर हैं, आप किसी तंग जगह पे हैं या खुले मैदान में हैं। 10. हैप्टिक सेंस, HAPTIC। हैप्टिक सेंस वो एबिलिटी है जो डिफरेंशिएट करती है और मैच करती है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ्रूट की बास्केट है जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स हैं। हैप्टिक सेंस एबिलिटी रखती है कि वो डिफरेंशिएट करे। इसी तरह हैप्टिक सेंस में एबिलिटी है कि वो सिमिलर ऑब्जेक्ट को भी मैच करती है। मिसाल के तौर पे आपको एक सब्जियों की बास्केट से बहुत सारे टमाटर जमा करने हैं, ये सलाहियत भी आपका हैप्टिक सेंस कहलाता है। 11. प्रोप्रायोसेप्टिव,
PROPRIOCEPTIVE। प्रोप्रायोसेप्टिव वो सेंस है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमें हमारे जॉइंट्स और मसल्स के थ्रू मिलती है। काइनेस्थेटिक, हैप्टिक और प्रोप्रायोसेप्टिव एक ग्रुप ऑफ सेंस है जो कि मसल मेमोरी कहलाता है। मसल मेमोरी वो सेंस है जो ब्लाइंड इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मसल मेमोरी की मदद से एक विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल बहुत आसानी से अपना कंप्लीट मेकओवर कर सकती है। यानी अगर आपको सिखा दिया जाए कि लिपस्टिक को कैसे पकड़ के कैसे अप्लाई करना है, इसी तरह मस्कारा, आईलाइनर वगैरह कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपकी मसल मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। इस तरह एक लड़की मसल मेमोरी की मदद से इंडिपेंडेंटली अपना मुकम्मल मेकअप कर सकती है और मेकअप करने के साथ साथ दीगर काम भी मसल मेमोरी की मदद से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कपड़ों को डिफ्रेंशिएट करना, कपड़े मैच करना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, कपड़ों को अरेंज करके तय करना। इसी तरह किचन एक्टिविटी में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को डिफ्रेंशिएट करना, मैच करना, इनकी कटिंग करना, डिफरेंट पैन और स्पून को आइडेंटिफाई करना, उनका यूज़ करना भी मसल मेमोरी की मदद से बआसानी किया जा सकता है। इस तरह सूंघने, चखने और सुनने की सलाहियत किचन एक्टिविटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। मसल मेमोरी और सुनने की सलाहियत हमारी मोबिलिटी स्किल्स में, यानी चलने, फिरने, उठने, बैठने और जगहों को आइडेंटिफाई करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, यूजिंग योर 11 सेंसेस टू परफॉर्म एवरीडे टास्क। इस टॉपिक में हमने आपके साथ वो तमाम मालूमात शेयर की जिसके ज़रिए से एक ब्लाइंड इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंट बना सकता है और वो तमाम काम कर सकता है जो काम वो करना चाहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स टू परफॉर्म एवरीडे टास्क, जो कि हमारे इसी टॉपिक की एक कड़ी है। हम अपने 11 सेंसेस और इन तमाम टेक्निक्स जो अगले टॉपिक में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर इस पर कमांड हासिल कर लें तो हम वो तमाम काम कर सकते हैं जो कि हम करना चाहते हैं। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।